अब यहाँ पर एक मामला आता है कि हमारे इस्लाम के जो खलीफा है, तीसरे खलीफा उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ट्रिपल तलाक को सही करार दिया, ट्रिपल तलाक को सही कहा है। इसका मामला क्या है? कई सारे हमारे मुसलमान भाई यही उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अमल पर अमल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे सही मुस्लिम चैप्टर नंबर 2 प्रोनाउंसमेंट ऑफ 3 डिवोर्सेस बुक नंबर 9 हदीस नंबर 3491 यानी 3491, 92 और 93, ये तीन हदीसें जमा होती है जहां पर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीन तलाक को नाफिज किया था। चलिए ये हदीसें देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप पढ़ेंगे ये हदीसें तो पहली जो हदीस है हदीस नंबर 3491 में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि दौरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जब भी तीन तलाक को एक ही तलाक माना जाता था। मिसाल के तौर पर एक बैठक में अगर तीन तलाक कहते हैं तो इसको एक ही माना जाता था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी तीन तलाक को एक ही तलाक माना जाता था। मिसाल के तौर पर एक बैठक में अगर तीन बार तलाक कहते थे उसको एक ही माना जाता था। दौरे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी शुरू के 2 साल एक ही बैठक में तीन तलाक को एक ही माना जाता था। तीसरे साल में जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि लोग इसका गलत फ़ायदा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग क्या करते थे, एक ही बैठक में तीन तलाक देकर खातून को भिजा देते थे अपने घर। यह बहुत आम हो गया था उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या किया, अगर कोई शख्स अब से तीन तलाक देकर किसी को भिजा देगा तो मैं उसको तीन मान लूंगा। ये हुक्म उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नाफिज कर दिया था। इसका मकसद ये था कि जो लोग शरीयत को वहां पर मजाक बना रहे थे, कहते थे तीन तलाक और भिजा देते थे और फिर वापस बुला लेते थे, तो ये खेल खेल रहे थे, ये मजाक कर रहे थे, एक बार भेजना फिर दूसरे दिन बुला लेना, तीसरे दिन भेजना चौथे दिन बुला लेना, ये मजाक कर रहे थे। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने हुक्म नाफिज कर कर कहा कि अगर तीन बार कह दोगे तो मैं उसे तीन मान लूंगा, उसके बाद वो वापस नहीं आ सकती, उसे दूसरे आदमी से नेचुरली शादी करना होगा, नेचुरली वहाँ तलाक होगा या उसका शौहर मर जाएगा, उसके बाद नेचुरली तुम शादी करना पड़ेगा, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इस लंबे प्रोसेस को देखकर लोग इस हुक्म को कम इस्तेमाल करेंगे, इस हुक्म को ना के बराबर इस्तेमाल करेंगे। इस हिकमत से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह हुक्म नाफिज किया कि अगर तीन कह दोगे तो मैं तीन उसे कबूल कर लूंगा। यह हुक्म उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उस दौर के लिए नाफिज किया था, मगर आज हम उस हुक्म पर अमल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिकमत थी उन लोगों के लिए। अगर मिसाल के तौर पर आज लोग कहे कि भाई आज भी लोग वैसे ही कर रहे हैं, उसको नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत फ़ायदा कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं, तो हम ये नाफिज कर देंगे, तो हम कहते हैं उस दौर में उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा थे, उन्होंने खलीफा होने के बुनियाद पर यह हुक्म नाफिज किया था। आज हमारे पास कोई खलीफा नहीं है तो हम वो हुक्म, उस हुक्म को नाफिज नहीं कर सकते। हम कौन से हुक्म पर जाएंगे जो कुरान ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 की आयत नंबर 228 में कहा, तलाक प्रोनाउंस करो तो 3 महीने, 3 इद्दत, 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल तुमको वेट करना है, रुकना है। अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान की आयत में फरमाया, फुरुद्दु इलल्लाहि व रसूली, कि अगर तुम्हें तुम्हारे उलेमा में कुछ इख्तलाफ दिखे या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ जाए तो तुम किसकी तरफ लौट कर चले जाओ, अल्लाह की तरफ और रसूलुल्लाह की तरफ। अल्लाह की तरफ जाना का माना क्या है, सूरह बकरा की आयत नंबर 228। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाना का माना क्या है, वो वाक़या अबू रुकाना का, जो जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वापस तुम अपनी बीवी को वापस बुला लो। तो ये उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो हुक्म था ये हम पूरी दुनिया पर जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो हुक्म था वो स्पेसिफिक था चंद वक्त के लिए उन लोगों के लिए जो मजाक बना रहे थे तलाक का, और ये हुक्म उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने नाफिज किया था। अब हम वो हुक्म नाफिज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई खलीफा नहीं है हुक्म नाफिज करने के लिए। आगे हम देखते हैं वही हदीस सही मुस्लिम की बुक नंबर 9 हदीस नंबर 3492 में अबू शाहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया, क्या ए इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, आपको मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त भी और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वक्त भी और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शुरू के 3 साल भी
तीन तलाक को एक ही माना जाता था, क्या आप जानते हैं? तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तीनों के दौर में भी और उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पहले 3 साल भी तीन तलाक को एक ही माना जाता था। ये है हदीस आपको मिलती है इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की और अबू शाहबा रजी अल्लाह ताला अन्हु की।